कीतली, क्या हुआ बेटा? तू तो अंदर फ्रिज का ठंडा पानी पीने गई थी, सब गर्म होके क्यों आई? क्या हुआ? क्या वजह जाननी है ना आपको? तो जाकर अपनी बहू से पूछिए। सुन हितली, मोना भी ना, ओ ये लाइट क्यों चली गई? गर्मी के दिन है ना, बिजली वालों ने बिजली कटौती करना शुरू कर दी है। नाना, पड़ोस के घर में तो बिजली है, दिख रही है। हाँ? सिर्फ हमारे घर में नहीं है। मैंने अनुकल को बिल भरने को कहा था, कहीं वो भूल तो नहीं गया? अरे बहू, कितनी बार का है, ये सारे काम मुझे दे दो। बेचारा अनुकल कितना काम करेगा, भूल गया होगा। मुना, ये मोमबत्ती। अनुकल, तुमने बिजली का बिल तो जमा कर दिया था ना? मुना, 3 महीने का बिल एक साथ आ गया था, 14,000 रुपए। मेरी जेब में सिर्फ 4,000 रुपए थे, इतनी जल्दी 10,000 रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से होता? तो वैसे इतने कर्जों में डूबा हुआ, ऊपर से सैलरी भी कट हो चुकी है, तुम तो जानती हो ना। 4,000 ही जमा कर दिए थे, कम से कम बिजली तो नहीं कटती ना? मोना, मैंने 4,000 रुपए जमा कर दिए थे ये सोच के कि कुछ दिन तक बिजली नहीं जाएगी, पर पता नहीं है पैसों का प्रॉब्लम खत्म कब होगा। मैं 1 मिनट में आई हूँ। हेलो मोना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, पैसों का कहीं से कोई इंतजाम हो ही नहीं पा रहा। मैंने अकाउंट्स में एडवांस पैसे उठाने के लिए अर्जी दी है, पर वो लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैं कुछ देखती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। अच्छे टाइम से आई है, देख तेरे वीजी कुछ सूट लाए हैं, मैं तेरे लिए 2-3 अच्छे चुन लेती हूँ। हाँ मम्मी जी, मैंने ये सूट वूट नहीं चाहिए, वो मुझे ना 10,000 रुपए चाहिए फौरन। ठीक है। ये पुत्र, कल रात को तेरे पापा जी ने दुकान के कुछ पैसे दिए थे, ये 9,000 है, 1,000 कम है इसमें, तो थोड़ी देर रुक जा, मैं करण से कह के मंगवा देती हूँ। बिजली बिल जमा करने का टाइम 12 बजे तक का ही है, 11 तो यही बज गया है, क्या करूं? पायल, हाँ क्या सोच रही है पुत्र? नहीं कुछ नहीं, मैं इतने से काम चला लूंगी, मेरे पास टाइम शेम नहीं रुकने का ना, मैं चलती हूँ। लाला नहीं रूपा, आ गई बिजली। ओ जी सत श्री अकाल जी। जय श्री कृष्ण। पुत्र ले, बाकी थे 1,000। तूने बताया नहीं किस लिए चाहिए, और मुझे लगा पता नहीं कितना जरूरी है, तो फटाफट इंतजाम करके ले आई। मोना, तुम अपने मैं के पैसे लेने के लिए गई थी? ओ कोई नहीं जी, माँ बाप के पैसे भी तो बच्चों के ही होते हैं। वो मोना ने 10,000 मांगे थे, उस वक्त मेरे पास सिर्फ 9 थे, तो मैं फटाफट एकदा इंतजाम करके ले आई। ओ जी मैं चलनी हूँ, घर पे ना बड़ा काम है। सत श्री अकाल जी। तुम अपने घर वालों के सामने क्या साबित करना चाहती थी? हाँ कि हम लोग कंजूस हैं, तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, मेरा बेटा कमाता नहीं, तुम्हें पैसे नहीं देते। अंबा जी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अनुकल्प को आने दो घर, उसे ही पूछूंगी कि उसकी बीवी के खर्चे में क्या कमी रह जाती है कि उसे हाथ फैलाने पड़ते अपने मैके में। क्या हुआ है मोना ने फिर कोई गलती की है क्या? गलती तो मेरी है कि मैंने इसे सारी जिम्मेदारी सौंप दी। अम्बा जी हुआ क्या, बोलिए ना प्लीज। अरे अपनी अम्बा जी से क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ। पहले तो तेरी बीवी ने छोटी छोटी बातों पे तमाशा खड़ा किया, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों पर भी रोक टोक लगा दी, और आज तो हद ही कर दी इसने। अरे अपने मायके जाकर पैसे मांग के लाइए। Yeah.